करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर मेहनत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। आज मैं स्टॉल लगा के खड़ी हुई हूँ, कितनी तेज धूप है, वाया पहना हुआ है, और मैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक भी बैठना पड़ता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है बेटा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सी कमाई सबसे पाकीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी मेहनत की कमाई। आज हम मौजूद हैं एक खातून के साथ। इनकी कहानी ये है कि ये बिरयानी का स्टॉल लगाती है और इनकी बिरयानी सूंघ सूंघ के मुझे भी भूख लगने लग पड़ी है। इतनी टेस्टी और खुशबू से ही मुझे पता लग गया कि ये कितनी टेस्टी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत खातून है, इनका दिल बहुत ही खूबसूरत है और इसकी वजह से इनकी मेहनत जो है, जो ये मेहनत करती है उसमें भी बरकत पैदा होती है क्योंकि इनका इखलाक बहुत खूबसूरत है। हम यहाँ पर मौजूद हैं तानिया के साथ। ये हमें बताएंगी कि इनका ये सफर कैसे शुरू हुआ, इनके हालात ऐसे थे, इनको ये बिरयानी का स्टॉल लगाना पड़ा, इनकी कहानी क्या थी, हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ, क्या ऐसी बात हो गई कि आपको ये बिरयानी का स्टॉल लगाना पड़ा? सफर बेटा यहाँ से शुरू हुआ कि मेरा बेटा वीजा कंपनी में जॉब करते थे, तो वहाँ से ना कोरोने की वजह से ना फारिग कर दिया था, फिर दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ से भी थोड़े दिन गए, फिर वहाँ से भी फारिग कर दिया कि कोरोने वाले ना नहीं बर्दाश्त कर रहे। बहरहाल फिर हम दोनों माँ बेटों ने ये फैसला किया कि हम खाना कुछ बनाते हैं, सबसे ज़्यादा बिरयानी है यहाँ, सब लोग पसंद करते हैं और ऐसी बिरयानी है मेरी जो यहाँ पर कोई भी नहीं बनाता। अच्छा। तो बेटे ने कहा कि मम्मा ये बिरयानी बहुत चलेगी क्योंकि इस तरह की किसी के पास नहीं है बिरयानी। फिर हमने यही प्रोग्राम बना लिया कि चलो बिरयानी लगाते हैं। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि जब मैंने ये बिरयानी लगाई तो अल्लाह का लाखों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि सब लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत मुझे हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर बड़ा सुकून से ये काम कर रही हूँ। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी बहू है और बेटा है और पोता है मेरा। अच्छा, पोता है आपका। तो मैंने एक बात सुनी है कि आप जो है कहती हैं कि मैं अपनी बहू को कोई काम नहीं करनी दूंगी, मैं सारे काम खुद करूंगी। बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि बेटा बहू जो है ना वो बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है और मेरी दोस्त है और मैंने अपने घर के माहौल को इसी तरीके से रखा हुआ है जिसकी वजह से ना मेरा घर का माहौल बहुत अच्छा है और मैं अपनी बेटी को ना कोई काम नहीं करने देती, बस सिर्फ ये है कि वो घर को ना मेंटेन करती है बस। अच्छा। और ये बिरयानी का काम जो है ना, इसका काम जो भी कुछ है मैं और मेरा बेटा हम दोनों मिलकर सामान लेकर आते हैं और फिर मैं कटिंग करती हूँ, मैं बनाती हूँ और मैं अपने हाथ से मसाले बनाए हुए होते हैं, मैं ये सारे मसाले अपने हाथ से जो तैयार किए हुए ना उससे बिरयानी बनाती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये पॉइंट नोट करें कि जब सास और बहू में इत्तेफाक होता है तो घर खुशहाल रहता है, इससे आपको ये सबक सीखना चाहिए कि अगर बहू भी बेटी बन के रहे और सास भी उसको बेटी बना कर रखे तो घर का जो है माहौल वो खुशगवार रहेगा। ठीक है, इसलिए इस बात पे आप लोगों ने कायम रहना है और इनसे सबक सीखना है कि मेहनत के साथ साथ इनका इखलाक भी इतना खूबसूरत है कि अल्लाह पाक ने इनकी जो रोजी है, जो ये कमाती है यहाँ पर बिरयानी बेच के, उसमें बरकत डाली हुई है। आंटी मुझे ये बताएं कि कभी शिकायत नहीं हुई बहू से? नहीं बेटा, शिकायत अगर ऐसी हुई नहीं है, कभी भी नहीं ऐसे हुआ। अगर छोटा मोटा जो हो जाता है तो कोई मसला नहीं है। जब बेटी बना के लेकर आई हूँ तो जगह भी बेटियों वाली थी है, तो वहाँ पर फिर पता भी नहीं लगता कि क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर आप जब स्टॉल लगाती हैं तो एक औरत होने के नाते मैं पूछना चाहूँगी, लोग तंग करते हैं? लोगों का बस चले ना तो मुझे उठा के बाहर फेंक दे, लेकिन बस नहीं चलता उनका। बाकी ये है कि इनको, लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपकी भी माएँ बहनें घर में हैं, क्या आप अपनी माएँ बहनों के साथ ऐसे ही करते जैसा आप मेरे साथ कर रहे हो? ये मेरे आसपास ये जो रेडियो लगा के खड़े हुए हैं, ये मेरी वजह से ना इन्होंने मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहा, वरना 2 दफ़ा मेरे बेटे को इन्होंने मारा है, लेकिन मैं आज बैठी हूँ तो यहाँ पर अपने बेटे के हौसले की वजह से बैठी हूँ और अपने बेटे के साथ चलना चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक ही है, मेरी औलाद जो है ना सिर्फ मेरा बेटा है, कोई मेरी बेटी नहीं है, कोई और बेटा नहीं है, तो मैं अपने बेटे के साथ और बहू के साथ ना
इस तरह चल रही है जैसे दोस्त होते हैं, बाद में माँ का रुतबा है पहले दोस्तों का। एक मेहनत के अलावा एक माँ की माँ के प्यार की लाजवाब कहानी है, जैसे इन्होंने बताया कि अपने बेटे की वजह से वह यहाँ बैठी हुई है, अपने बेटे की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। तो माओं को भी चाहिए कि अपने बेटों की हौसला अफजाई करें, यहाँ तक कि बेटियों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बेटियाँ भी कम नहीं होती, जैसे कि हमने इनको देखा है कि ये भी किसी से कम नहीं है। हमें इनसे इनको देखकर सबक हासिल करना चाहिए और हमें इस तरह की जो स्टोरीज हम आप तक पहुँचाते हैं उनको देख के हौसला पकड़ना चाहिए कि हम भी ये कर सकते हैं। कोरोना के जो क्राइसिस आए हैं उनकी वजह से वो घर बैठ गए हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जब इनके बेटे की जो है वो नौकरी गई तो इन्होंने उसकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे स्टॉल लगा लिया, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी यहाँ पे टिकी बैठी हैं, इतनी हिम्मत है इनकी, इनको देख के हमें हौसला पकड़ना चाहिए। आंटी मुझे आप बताएं कि किसी को पैगाम देना चाहेंगी, खासतौर पर उन औरतों को जो औरत मार्च के नाम पर यहाँ सड़कों पर आके खड़ी हो जाती हैं। मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर मेहनत करेंगी तो इज्जत मिलेगी, बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। आज मैं स्टॉल लगा के खड़ी हुई हूँ, कितनी तेज़ धूप है, कुबाया पहना हुआ है और मैं सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक भी बैठना पड़ता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं है, काम करने में मेहनत करने में इज्जत मिली है और कुछ नहीं मिला, इज्जत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। और एक बाज़त इज्जत तौर पर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, मुझे कोई धूप से कोई डर खौफ नहीं है, खुदा का करना ऐसा है कि अल्लाह की तरफ से ही ना मुझे गर्मी की तरफ से ना सब्र मिला है, मुझे गर्मी नहीं लगी, वरना मैं बीपी की मरीज़ हूँ और मुझे ज़रा सी भी धूप लगती है ना पहले तो मेरा बीपी हाई बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अल्लाह की जान ऐसी है कि जब से भी मैंने ये मेहनत शुरू की है मुझे बीपी का कोई मसला नहीं है, ना मुझे इतनी घबराहट होती है, मैं आराम से बैठी हुई हूँ, क्योंकि बेटा मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। मेहनत करने से ये होता है कि हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। वो बहुत बुरा लगता है कि किसी का इंतज़ार करें, वो आएंगे 200 दे जाएंगे 400 दे जाएंगे, आप शाम तक हम बैठे रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बिरयानी बहुत लोगों ने पसंद करते हैं, सेल भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब शाम को जाती हूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ना मेरा इंतज़ार करती है और मैं जाके बेड पर बैठती हूँ तो मुझे दबाती है, मुझे अपना कोल्ड ड्रिंक बना के देती है और मैं आराम से सुकून से सो जाती हूँ। यही मेरी बड़ी खुशनसीबी है। आप खुद सुन रहे हैं कि उनकी बहू उनकी कितनी खिदमत करती है। सारी बहुओं को मेरा ये पैगाम है, सासों की खिदमत ऐसे करें तो खुश रहेंगी, वरना सास जो है ना उसको सास बनने में देर नहीं लगती। इसी स्टोरी के साथ हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।